तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे पीछे आप स्टेज देख सकते हैं, मंच है और मंच के साथ साथ तीन पंडाल यहाँ पे जो पक्के पंडाल हैं वो बनाए गए हैं। लोगों के लिए कई सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है और आज से जो है ये पूरे मैदान को जो है SPG अपने अंडर में ले लेगी। और नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे 2 तारीख को, इनका यहाँ पे हजारीबाग में 2 कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में है और दूसरा कार्यक्रम यहाँ पे वो लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों को यहाँ पे सभा करेंगे। सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया है क्योंकि परिवर्तन रैली जो लगातार झारखंड में चल रही है उसका समापन हजारीबाग में होना है। तो हजारीबाग में कुल 7 जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जिला अध्यक्ष से लेके कार्यकर्ता समेत जो यानी अघोषित प्रत्याशी है जो जिसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है वो सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और अपना पूरा दमखम के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह के पंडाल बनाए गए हैं, वहां पे सरकारी कार्यक्रम है और यहाँ पे जो BJP है परिवर्तन रैली का समापन है यहाँ पे। तो सारे लोग यहाँ पे एकजुट होंगे, कई सारे बड़े बड़े नेता जो बाहर से आ रहे हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। SPG आज से ये पूरे ग्राउंड को अपने अंडर में ले लेगी। आप देख सकते हैं कि एक तरफ दुर्गा पूजा यहाँ पे होना है उसको लेके तैयारी चल रही, तो दूसरी तरफ डिज्नीलैंड यहाँ पे लगा हुआ था लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिज्नीलैंड को अब 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और 3 दिनों तक यहाँ पे कोई कार्यक्रम अभी नहीं होगा। और जो जिनके पास ICARD है वही सभा स्थल में 2 तारीख तक घुस सकते हैं। 2 तारीख को जब सभा होगी तब आम लोगों के लिए ये पूरा जो ग्राउंड है वो खोल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है, जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरे तरह से तैयार है और भाजपा के जो लोग हैं वो परिवर्तन रैली को लेके काफी उत्साहित है क्योंकि समापन है तो एक उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे हेमंता विश्व शर्मा भी आए हुए थे, उन्होंने भी पूरे ग्राउंड का जायजा लिया था जिनसे हमने कई देर तक बात भी की थी और कई मुद्दों पे उनसे बात भी हुई थी। तो यहाँ पे अब तैयारी पूरी कर ली गई है, अब देखना यह है कि 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पे जुटा सकते हैं। मैं पीयूष मिश्रा द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है भाई, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढुसका भाई। पर JMM वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.